नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत भारत माता की जय नारे पर नए विवाद के साथ। आरएसएस के बाद अब इस पर अपना पक्ष रखा है देश के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम ने, जिसने फतवा जारी कर मुसलमानों के लिए भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया है। कहा है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। भारत माता की जय पर फतवा, भारत माता की जय जायज नहीं, ये ऐलान किया है देश की सबसे बड़ी इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने। दारुल उलूम ने बकायदा एक फतवा जारी कर साफ किया है कि क्यों मुसलमानों के लिए भारत माता की जय कहना जायज नहीं है। मुसलमान क्योंकि खुदा के एक होने का यकीन रखते हैं, इसलिए वो खुदा के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए मुसलमानों को वंदे मातरम से अलग रखा जाए। अब भारत माता की जय का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल भारत माता एक तबके के यकीन के मुताबिक एक देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं। भारत माता देवी को ये लोग हिंदुस्तान के मालिक व मुख्तार समझते हैं। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कभी वहदानियत के खिलाफ नारे से समझौता नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदुस्तानी नागरिक को धार्मिक आज़ादी दी गई है। किसी फिरका परस्त को ये हक हासिल नहीं कि वो कानून के खिलाफ कोई काम करे और दूसरों को गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करे। भारत माता की जय कहने वालों के नज़दीक इसके मायने में वतन की पूजा शामिल है, इसलिए किसी मुसलमान के लिए ऐसा नारा लगाना जायज़ नहीं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, किसी दूसरी चीज़ की इबादत नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक अदब और एहतराम की बात और मोहब्बत की बात है, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे सकते हैं। लेकिन जो मूरत बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है, उसकी जय नहीं बोली जा सकती। दारुल उलूम से दरअसल भारत माता की जय को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। इस मामले को लेकर दो दिन पहले दारुल उलूम इफ्ता में 8 मुफ्तियों की खंडपीठ ने इस बारे में फतवा जारी किया। भारत माता की जय को लेकर फतवा जारी होने पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि वो भारत माता की जय बोलेंगे, जिसे फतवा जारी करना है करे। दरअसल ये पूरा विवाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोलने की बात कही। मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? नहीं बोलता मैं। मेरे गले में छुरी भी लग देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। वहीं इस पूरे मामले में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि भारत माता की जय बोलने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत माता की जय बोलने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संघ ने इस मामले में अपनी स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन अब दारुल उलूम ने फतवा जारी कर इस मामले को फिर हवा दे दी है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दारुल उलूम के फतवे को बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सिरे से खारिज किया है। शाहनवाज हुसैन से बात की आज तक संवाददाता अहमद अजीम ने। दारुल उलूम देवबंद से एक शख्स ने फतवा लिया कि क्या भारत माता की जय बोला जा सकता है। दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि ये बोलना सही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के नेता, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका इस फतवे के ऊपर? देखिए, ये इबादत और मोहब्बत में फ़र्क है। जो मुसलमान है वो खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, इस बात को मैं सही मानता हूँ। लेकिन मोहब्बत करना अपने मुल्क से, इससे कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा मोहब्बत है जब जुनून में बदलता है, तो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वो जुनून में जब आते हैं मुल्क से मोहब्बत में, तो भारत माता की जय कहते हैं। और भारत माता की जय कहना या मादरे वतन जिंदाबाद कहना, या अगर भारत माता की जय को इकबाल की नज़रों में देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना, इसमें अंतर क्या है? आप कल हो के कोई ये भी कह सकता है कि आप भारत नहीं बोल सकते, आपको हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा, तो उसको कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और हज़ार जब मैच होता है या जब बॉर्डर पर लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं, और जब हमारे बहुत से फौजी हैं जो बहुत से मुस्लिम हैं फौज में, वो भी जब कहीं पर फतह होती है और लड़ाई में लड़ते हैं, उसका एक गान है भारत माता की जय कहना, तो इसको रोकना सही नहीं है।
ये मुल्क से मोहब्बत है जो हम भारत माता की जय कहते हैं। हाँ। और हम तो कहेंगे भारत माता की जय। ठीक है, फतवा इस तरह का नहीं देना चाहिए दारुल उलूम देवबंद को, आप ये कह रहे हैं बचना चाहिए? ये मजहबी मामला नहीं है, ये नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि उनको मजहबी मामले में अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हुब्बुल वतनी और इस मुल्क से मोहब्बत के बारे में उनको कोई बात रखने का हक नहीं है। अगर हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने मुल्क से जुनून की तरह मोहब्बत करेगा। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।